हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए क्या आई, बहुत ही हेल्दी नाश्ता जो कि आप ये बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, नाश्ता के रूप में खा सकते हो या स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो। ये इतना ज़्यादा हेल्दी है और ये टेस्टी है और ये बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ये रेसिपी 2 से 3 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग फटाफट से रेसिपी देखना शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है सूजी। तो 1 कप लिया है सूजी, आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हो सूजी का। और तो ये बारीक है सूजी, आप लोगों के पास अगर मोटा हो तो भी चलेगी, क्योंकि हम लोग इसमें ब्लेंडिंग जार में ही डालेंगे। और बस इसको डाल दिया है सूजी को ब्लेंडिंग जार में, और साथ में ही डालेंगे दही को। तो जितना लिया था सूजी उतना ही लेंगे दही, और बस थोड़ा सा डालेंगे पानी, ज़्यादा हमने पानी का यूज नहीं करेंगे। बस 2 चम्मच जितना मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और बस इसका नॉर्मली ढक्कन बंद करके इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी सूजी पीस चुकी है, और इसको रख लेंगे एक बाउल में। तो अभी इसको रखेंगे हम लोग साइड में, और मैं यहाँ पर ले रही थोड़ी सी वेजिटेबल्स, तो आप अपने मनपसंद का ले सकते हो वेजिटेबल्स। और इसको डाल देंगे चॉपिंग करने के लिए चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो भी आप लोग इसको महीन महीन कट कर सकते हो, ठीक है। तो और बस यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो इसमें सब्जी में है गाजर था, बीन्स था, मटर थी, और बस थोड़ी सी प्याज था, मैंने इतना ही लिया था। अगर आप लोग इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, पत्ता गोभी, बीन्स या कैप्सिकम, जो आप लोग के पास हो वो आप लोग डाल सकते हो। तो बस हमारी सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह से चॉप हो चुकी है, और तो बस हम लोग डाल देंगे सारी सब्जी को इसमें सूजी के पैटर्न में। तो ये देखिए सारी मैंने इसमें डाल दिया है। अब चलिए इसमें हम लोग ऐड करते हैं थोड़े से बेसन। तो बस 2 चम्मच इसमें डाल दिया है बेसन, ज़्यादा बेसन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच का ही यूज करेंगे। और इसमें डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे नमक, और बस थोड़ा सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हम लोग ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर यूज नहीं करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज करना चाहते तो भी कर सकते हो, मैंने इसको ज़्यादा तीखा नहीं रखा था। और बस थोड़ा सा डाला साबुत जीरा, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को आपस में। तो ये लीजिए सभी चीज़ आपस में मिक्स हो चुकी थी। ये ना इसका गोल थोड़ा सा था ठीक, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाला था पानी। तो बस 2 चम्मच इतना ही पानी यहाँ पर डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ मिक्स हो चुकी है। अब चलिए हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस के ऊपर रख दिया था पैन गर्म होने के लिए, और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल का बहुत ही कम हम लोग यूज करेंगे, ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, और ऑयल को ना अच्छी तरह से हम लोग फैला लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल को फैला लिया है, और बस सूजी के पैटर्न को डाल देंगे। आप अपने मन हिसाब से कर सकते हो बड़ा या छोटा, मैंने इस तरह से रखा था, 2 चम्मच इसमें डाल दिया था और इसको फैला लिया था। तो ये जितना फैलेगी उतना हम लोग इसको फैला लेंगे, और इसको बस हम लोग इसको पकने देंगे। तो बहुत ही कम टाइम में ये पक जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी थी एक तरफ, और बस इसको मैंने इस पलटा दिया था, और बस पलटने के बाद कुछ ही सेकेंड में ये भी सेक जाएगी। और तो ऊपर से मैं थोड़ी सी गार्निश कर रही हूँ पनीर से, अगर आप लोग करना चाहते हो चीज़ से तो वो भी कर सकते हो, स्पेशली बच्चों को चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मैंने चीज़ का यूज नहीं किया था, थोड़े से मैंने पनीर से इस तरह से इसको गार्निशिंग किया था ऊपर से। और ऊपर से हम लोग डालेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आती है। तो बस थोड़े से डाल दिया पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो बस हमारी स्नैक्स बन करके हो चुकी रेडी। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने बाकियों को भी कर लिया था। ये देखिए सारी हमारी बन चुकी है। अभी तो मैंने 2 ही बनाया था, बाद में मैंने और भी
बनाया था, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही दो ही बना करके। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारी नाश्ता बन करके हो चुकी है रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ एक को इस तरह से कट करके। तो इस तरह से बच्चों को दे सकते हो कट करके, तो बच्चा इसको पिज्ज़ा के रूप में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कट करने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा था। तो अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास से, आप लोग देख सकते हो उसका फाइनल लुक कितना यम्मी लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स, देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। आप लोग ये सुबह सुबह नाश्ता में बना सकते हो, बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बन करके हो जाती है रेडी। आप थोड़े से सूजी से ढेर सारा नाश्ता बना सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो, और बस छोटी मोटी भूख लगे तो स्नैक्स के रूप में खा सकते हो। तो इस तरह से ट्राई कर सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मत भूला। अगर चैनल पर नहीं आता तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना, अब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।